हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू S3 स्पोर्ट्स। आज हमने ना कुछ अनबॉक्स किया है ग्रेनी क्लस का, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने ओपन किए हैं। तो जैसे पहले छोटी एसेसरीज दिखाता हूँ आपको, तो सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं आपको इससे, ब्रीफ्स। ये सपोर्टर कहते हैं इसको, और ये सब क्रिकेटर यूज़ करते हैं, इवन जिम वाले या फिर कोई भी गेम स्पोर्ट्स यूज़ करते हैं उसमें इनको पहनना पड़ता है। ड्राई फिट फैब्रिक है, 500 की रेंज है, दो शेप आती हैं, देख सकते हैं आप। ये कलर वाइट ही मिलेगा इसमें आपको। फैब्रिक सुपर फाइन है, सुपर सॉफ्ट है। ये देख रहे हैं स्ट्रेचेबिलिटी भी देख रहे हैं इसके आप। ये ब्रांड का नाम ही बहुत है, मतलब किसी को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ मिलेगी नहीं आपको। एक इन्होंने नई चीज़ लॉन्च की है, ये सॉक्स। पैकिंग देख रहे हैं, ये जेल पैडेड सॉक्स है इनकी, क्रिकेटर्स के लिए है और कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें हमें यूज़ होती है। ये नीचे सारी ये अभी जेल लगा हुआ है और थोड़ी थिकनेस भी अच्छी है, 380 की रेंज है ये। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये बॉक्स के अंदर अनबॉक्स हमने करेंगे सब सामान। ये कैचिंग ग्लव्स आए हैं इसके, ग्रेनी क्लस के। ये रेंज है 750 की रेंज है। ये देखिए आप, ये कैचिंग करते हुए ना पैडिंग पैडेड अंदर से, जैसे अगर कुछ कोई किसी को बॉल ना लगे तो उसके लिए पूरी यहाँ पैडिंग दी गई है, और कंफर्टेबल भी बहुत अच्छा होता है ये। इसके ऊपर लाइक्रा फैब्रिक लगा हुआ है, स्ट्रेचेबल है, आपके हाथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर दिखाता हूँ आपको, ये इसके एब्डो गार्ड्स है, ये फुल फिंगर ग्लव्स हैं इनके, ये कीपिंग इनर्स हैं इनके, 550 की रेंज है। पहले भी बहुत माल बेच चुका हूँ, दोबारा भी बेच रहा हूँ और काफ़ी डिमांडेड रहता है, जो एक बार यूज़ कर लेगा हमेशा ये मांगेगा। ग्रेनी क्लस की एल्बो, 700 की रेंज है, टू स्ट्रैप्स हैं, कंफर्टेबल भी है, साइज इसमें दो साइज मिल जाएंगे, एडल्ट भी और यूथ भी। ये है इसका एडल्ट साइज के अंदर, ग्लव्स की पूरी है सपोर्ट है, सपोर्ट दी हुई है, दिखाता हूँ खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये खाली फिंगर सपोर्ट है, ये सबको पता होगा क्रिकेटर्स को कि किस लिए यूज होती है। ये 400 की रेंज है, ये भी प्रोटेक्शन होती है ग्लव्स के अंदर, प्रोटेक्शन जो भी आपका यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे घिस जाते हैं ग्लव्स, तो उनकी प्रोटेक्शन काफ़ी मिलती है यहाँ पे इनको। और ये है इसकी कीपिंग ग्लव, जूनियर साइज, यूथ साइज, रेंज है 250। ये है फ्रेंड्स बैटिंग ग्लव्स, ये पैकिंग आप देख रहे हैं, ग्लव्स की पैकिंग है, बैटिंग ग्लव्स की पैकिंग है, कट फिंगर ग्लव्स हैं, लेफ्टी राइटी यहाँ मेंशन होता है। सीरीज़ का नाम है अल्ट्रा GN7, इसके अंदर क्या होता है GN7, GN8, GN9 ऐसे सीरीज़ आती है, और प्राइस पॉइंट है इसका 3300। क्वालिटी ग्रेनी क्लस के जो पिटार्ड होता है बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट होता है और कंफर्टेबल बहुत होता है ये। इसके बाद आया है GN8, ये कलर देखिए, इसका कलर भी बहुत सुंदर है। इनका बेसिकली रेड कलर पे इनका मेनली फोकस रहता है। ये भी ट्रेडिशनल काउंट कट कट, ट्रेडिशनल और कट फिंगर दोनों है इसमें, राइटी है ये। प्राइस पॉइंट है इसका 39,000। उसके बाद आपको फ्रेंड दिखाता हूँ ये GN10, टॉप नॉच क्वालिटी, दी बेस्ट कट फिंगर, स्टाइलिश के साथ साथ ये कंफर्टेबल बहुत है, पिटार्ड बहुत अच्छा है इनका, एरी पिटार्ड है, और प्राइस पॉइंट है 6699। ये है GN का, ग्रेनी क्लस का थाई पैड, क्वालिटी सुपर फाइन, कॉम्बो है, एक लेफ्ट एंड राइट, इसमें साइज दोनों मिल जाएंगे आपको, जूनियर रेंज भी है और ये मेन साइज भी है इसमें। जूनियर रेंज जो है 1500 की रेंज है, और ये आ गया आपका मेन साइज, ये है 2000 की रेंज। कंफर्टेबल क्वालिटी और मोल्ड बहुत अच्छा है इसका, कंफर्ट बहुत अच्छा रहता है इसका। और ये फ्रेंड्स देख रहे हैं सारा ग्रेनी क्लस का स्टफ ही है सारा, ये बैटिंग ग्लव्स हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट है, 3000 स्टार्टिंग है, टॉप जो है सबसे क्वालिटी जो आती है वो 6700 तक की रेंज आती है। पैकिंग बहुत अच्छी बनाई हुई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टफ़ तो इसका लेदर अलग ही होता है। कि पैकिंग करने का मेन मकसद क्या है कि ना, आपको पता होगा ऐसे कभी कभार ग्लव्स ना पड़े पड़े सूख जाते हैं, इनका पिटार्ड ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ना इसको इन्होंने नया बॉक्स पैकिंग करके दिया है। तो कलर्स देख रहे हैं, लिमिटेड एडिशन सारी सीरीज मिल जाएगी आपको वहाँ पर, GN8 ये भी है, ये देख रहे हैं GN, सारी सीरीज मिल जाएगी आपको।
फ्रेंड्स ये है इसका 4000 की रेंज के अंदर एक नया ग्लव्स निकाला ना ब्लैक कलर के अंदर, बहुत सुंदर पीस है। इसको मैं खोल के अनबॉक्स भी करके दिखाता हूँ। ये पिटाट देख रहे हैं इसका, अंदर से एयरी पिटाट है ये, फील फिनिश अलग ही होगी इसकी। ये हाफ सॉसर है और हाफ कट फिंगर है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी आएगी इसकी। ग्रेनिकल से किट बैग भी वापस होते हैं, ये नया शेप उन्होंने निकाला है, पीछे से देख रहे हैं वन स्ट्रिप है ये, और इतनी बड़ी साइज के साथ साथ इसके अंदर क्वालिटीज भी अच्छी दी है। बैट तो काफ़ी सारे आ जाएंगे आपके अंदर। कई कई लोग क्या कर रहे हैं कि क्लब वाले ना, जैसे इनके बैट ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने एक्स्ट्रा खाली बैगिंग के लिए ले लिया है, मतलब बैट्स आ जाए सारे उनके अंदर, तो चार पांच बैट इकट्ठे आ जाएँ। कलर भी अच्छा निकाला है और रेंज है इसकी 2000। हाँ जी, एक वहाँ पर ग्रेनिकल्स का यहाँ पे एलीट साइज निकाला है उन्होंने बड़ा। ओके, ये 5800 का बैग है, फीचर्स बहुत हैं, हैंगिंग भी हो जाएगा, पीछे से इन्होंने तीन व्हील्स भी इसके ट्रैक्टर व्हील लगाए हुए हैं, क्वालिटी वेरी फाइन। ये देखिए इसके अंदर बैग रेडिंग की जगह एक अलग सी दी हुई है, इसको कई लोग चोर जेब भी कहते हैं। तीन बैट इसके अंदर आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर किसने क्या रखा हुआ है। ये देखिए, ये गया आपका बैट अंदर, और अंदर से कुछ कुछ भी नहीं दिखेगा कि बैट कहाँ पे है। शू रैक भी अलग से दिया हुआ है, साइड पॉकेट बहुत सारी हैं, बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नेट अच्छा लगा हुआ है इसके अंदर। मेरे पास हमारे पास इसके अंदर एक ग्रेनिकल्स का टॉप एंड बैग भी आया हुआ है, वो उसकी रेंज है करीब 8999। दिस मच बिग बैट, तीन तीन व्हील्स है उसके अंदर, मैटी क्वालिटी बहुत सुपर फाइन बनाई हुई है। ग्रेनिकल्स के बैट परफॉर्मेंस, इनका बैलेंस, इनका वेट, इनकी ग्रेन्स फेमस होते हैं बैट के, बैलेंस बहुत अच्छा होता है, हैंड ग्रिप बहुत अच्छी है, नेक भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्टिकर्स भी नए आ चुके हैं इनके। ये देखिए आपको बैट दिखाता हूँ इनका, मैक्स सीरीज लिमिटेड एडिशन, यू सी द ग्रेन्स। इनकी स्पाइन अलग सी उठी होती है यहाँ पे, और पिंक और वेट बहुत अच्छा होता है बैट का, हल्का बैट होते हैं इनके, लिमिटेड एडिशन ग्रीन कलर ओमेगा सीरीज। एक ये मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है स्टिकर का भी, और बैट भी बहुत सुंदर लगता है, गोल्ड एडिशन, ग्रिप से मैचिंग कॉम्बिनेशन है, बैट बहुत अच्छा है। अभी बाकी सामान तो काफ़ी दिखा दिया, थोड़ा बॉल्स पे भी दिखाता हूँ, हमारी बॉल्स भी बनती हैं, बट हम वी कांट कंपेयर आवर सेल्फ विद एस जी, हमारी बॉल्स भी अच्छी हैं, 300 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, क्लब मैच और टेस्ट की हमको बॉल रेडी रहती है, स्टॉक हमारा भी अच्छा बिकता है। बट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पास एस जी का काफ़ी अच्छा स्टॉक है अभी, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे एस जी के अंदर। शील्ड से स्टार्टिंग करते हैं, ये तो है एस जी क्लब, इसकी पैकिंग सर ये आती है, पैकिंग आती है इसकी, कंपनी ने पैकिंग ऐसी क्यों बनाई है ताकि जस्ट ओवर डुप्लीकेसी, बिकॉज आपको पता है कि आज के टाइम पे स्टैंपिंग लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इन्होंने बार कोडिंग भी करी हुई है अपनी, हर बॉल पे आपको ये कोडिंग भी मिलेगी, और ये एस जी क्लब की ये बॉक्स की पैकिंग भी आप देख रहे हो, इसमें भी एस जी की कोडिंग हुई हुई है। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अलग अलग बॉक्स की अलग अलग चीज़ें हैं, एक इन्होंने बेसिक बॉल भी निकाली है अपनी एस जी शील्ड वाइट, 550 से स्टार्टिंग होती है रेंज इसकी। ये देखिए, ये एक बॉक्स की पूरी पैकिंग ऐसे आती है, इसमें वाइट, रेड और पिंक तीनों बॉलें मिल जाएंगी एस जी क्लब। मेरे पास आपको टूर्नामेंट, शील्ड, लीग सारी सीरीज मिलती है हमारे पास। अभी अब ह्यूज स्टॉक ऑफ एस जी बॉल्स, बिकॉज इट्स इज हाईली सेलेबल बॉल्स। मैंने आपको जो सामान दिखाया है अभी सब अवेलेबल है, और आपको अगर एड्रेस चाहिए तो एड्रेस नीचे मेंशन है हमारा, और मोबाइल नंबर मिल जाएगा, कोई भी क्वायरी हो आप मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैरायटी अभी हमारे पास अभी सीज़न चल रहा है, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा सामान आया हुआ है, तो देख सकते हैं आगे जब मर्जी। और मेरे ख्याल से आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द माई स्टफ एंड द क्वालिटी ऑफ द बैट्स वी हैव शोन यू। ओके फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय।